आप देख रहे हैं दखल न्यूज। रसूखदारों का दोहरा चेहरा और उनके घटिया और अमानवीय कृत्यों का खुलासा हुआ नाटक डाकू में। मुद्रा राक्षस के इस नाटक का निर्देशन बालेंद्र सिंह बालू ने किया है। भोपाल के शहीद भवन में हम थिएटर ग्रुप के बहुचर्चित नौटंकी नाट्य डाकू का आयोजन किया गया। नाटक के मुख्य किरदार डाकू का अभिनय और निर्देशन रंगकर्मी बालेंद्र सिंह ने किया। नाटक का मुख्य उद्देश्य समाज के रसूखदारों की घटिया मानसिकता को उजागर कर आम लोगों को जागृत करना रहा। कृष्ण दामू एजुकेशन कल्चर एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी भोपाल के तत्वाधान में डाकू नाटक का आयोजन किया गया। आयोजन के पहले वरिष्ठ रंगकर्मी अभिनेता व निर्देशक स्वर्गीय इरफान सौरभ को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आयोजन मुख्य अतिथि के रूप में दखल न्यूज के एडिटर इन चीफ अनुराग उपाध्याय और कवि लेखक अमिताभ मिश्रा मौजूद रहे। मैं मुकम्मल हो गया तो देवता बन जाऊंगा, मैं मुकम्मल हो गया तो देवता बन जाऊंगा, मुझमें जो है खामियां वो खामियां रहने दीजिए। 18 साल पहले इस व्यक्ति में जो खामियां थी उनके साथ इस आदमी ने, इस व्यक्ति ने जो मुकाम हासिल किया है, उनको बहुत शुभकामनाएं, इनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं। और बॉस रंगमंच पे डाके डालते रहिए, लूटते रहिए लोगों के दिल को। आज का नाटक डाकू ये कोई डाकू की कहानी नहीं है, ये एक आम आदमी के डाकू बनने की कहानी है कि किस तरीके से पॉलिटिशियंस लोग जो है अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए आम जनता का इस्तेमाल करते हैं, उनका शोषण करते हैं और गांव में सूखा अकाल पड़ा हुआ है उस पर ध्यान न देकर सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो उस पर ये बहुत ही प्यारा नौटंकी शैली का एक नाटक है डाकू, जिसको हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये लगभग 16-17 साल से हम लगातार इसको करते आ रहे हैं और पूरे देश में इसके बहुत अच्छे शोज हुए हैं। वरिष्ठ रंगकर्मी और बॉलीवुड कलाकार बालेंद्र उर्फ बालू ने मुख्य किरदार निभाने के साथ डाकू का बेहतरीन निर्देशन किया। नाटक में दिखाया गया कि कोई आम आदमी किन परिस्थितियों में डाकू बनता है। नाटक में अभी भी समाज में रह रहे सफेदपोश डाकुओं पर कटाक्ष किया गया। मुद्रा राक्षस रचित नाटक डाकू का संगीत रवि लाल सांगड़े ने तैयार किया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।